नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं किडनी स्टोन की दवा के बारे में किडनी स्टोन की जिसको हम गुर्दे की पथरी भी कहते हैं कि स्पेशली जो हमारे किडनीज के अलग अलग एरिया होते हैं कि चाहे वो ब्लेडर का बाग है या फिर यूरेटर है या फिर जो किडनी का मेन बाघ होता है वह पर इस तरह से स्टोन बन जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे तो किडनी स्टोन में स्पेशली होता यह है कि जब किसी को स्टोन होता है और वो स्टोन पास होने लगता है आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर तो इस तरह से पेशाब जब आपका आता है तो वो डार्क कलर का आता है या फिर पेशाब में खून आता है कि जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि यूरिन टेस्ट के अंदर आर यानी कि रेड ब्लड सेल देखने को मिलते हैं फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें किडनी स्टोन के दौरान तो पेट में दर्द होना कि जिसको हम कॉलिक पेन कहते हैं फिर बैक uh, पेन जैसा फील होता है स्पेशली uh, यहाँ पे ये यह जो एरिया है कि जो पीछे का साइड का जो हमारा एरिया होता है स्पेशली जहाँ पे इस तरह से हमारे किडनीस होती है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो इसको ठीक करने के लिए जो दवा यूज़ होता है जिसको क्लियर स्टोन ड्रॉप्स कहते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में तो जानते हैं कि किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है और कितने डोज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बारे में तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऊपर तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बारे में तो ये ऐसे क्लास की दवाई है कि जो स्पेशली किडनी स्टोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो एस बी एल प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके मैन्यूफैक्चर है जिसका हेड क्वार्ट जो है वो दिल्ली में है और ये मेडिकेशन का हम टाइप देखें तो होम्योपैथी मेडिकेशन है और ये किडनी स्टोन के जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है तो यहाँ पे आप उसका कंटेंट देख सकते हैं कि एस बी एल वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी उसके मैन्युफैक्चर हैं और यहाँ पे लिखा है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स तीस एम एल जितना ये कंटेंट आता है जो ड्रॉप्स के रूप में आपको जो है वो यूज़ करना होता है फिर आगे यहाँ पे आप देखो उसके इंडिकेशंस यहाँ पे लिखे हैं कि जब पेनफुल यूरिनेशन होता है मतलब कि यूरिन में जलन होती है और दर्द होता है और साथ साथ ब्लड आता है यूरिन के अंदर कॉलिक पेन होता है या फिर रीनल पेन जिसको हम कहते हैं या फिर किडनी स्टोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें यह दवाई यूज़ की जाती है कोई इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स जो है वो नहीं होते और ख़ासकर दस से लेकर पंद्रह डॉप्स जितने पेशेंट यूज़ करता है वन फोर्थ कप जितने जो पानी के अंदर और वो जो है वो दिन में तीन बार जो है वो ले सकता है तो इस तरह से लेबल के ऊपर भी प्रॉपर डोज की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है फिर एक ध्यान ये रखना है कि जब भी आप उसको यूज़ कर दें अच्छे से बॉटल को जो है वो सेक करनी होती है तो यूज़ हम देखें तो जो ट्रीटमेंट जो है किडनी स्टोन के उसमें इसको यूज़ किया जाता है कि जैसे कि यूरेटर के अंदर समझो कि आपका स्टोन है ब्लेडर में है कॉलिक पेन हो रहा है बर्निंग हो रही है यूरिन करते वक्त यूरिनरी प्रॉब्लम है या फिर जो किडनी स्टोन को डिजोल्व करने के लिए भी ये मेडिकेशन को जो है वो यूज की जाती है तो स्पेशली आप यहाँ पे देखो कि ये जो स्टोन जो आपके यूरेडर के अंदर है आपके ब्लेडर के अंदर है या फिर इस तरह से स्पेशली जो किडनी का जो मेन भाग है वहां पे आपका स्टोन जो है वो फस फंस चुका है तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद क्या होता है कि ये जो स्टोन है वो धीरे धीरे ये हमारे यूरिनटी ट्रैक के अंदर जो है वो पास होने लगता है और इस तरह से ये किडनी स्टोन जो है वो आगे किडनीज में से नीचे उतर के यूरेटर में आता है कि जिसको हम पेशाब की नली कहते हैं कि ये जो पेशाब की नली में यहाँ पे आप ये स्टोन देख रहे हैं और ये स्टोन धीरे धीरे वहाँ से आगे पास होकर इस तरह से आपके ब्लेडर में आ जाते हैं और ब्लेडर में से फिर यूरिन के थ्रू जो है वो आपके शरीर में से बाहर निकल जाता है तो एडवाइस ये होती है कि जब भी आप ये स्टोन्स को रिमूव करने के लिए जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं क्लियर स्टोन ड्रॉप तो उस दौरान पानी ज़्यादा पीना होता है कि एटलीस्ट पेशेंट जो है वो तीन से पाँच लीटर जितना पानी पिए कि जिससे क्या होता है कि ये जो स्टोन तो आगे पास होगा साथ ही साथ वो डिजोल्व भी होने लगते हैं उसके टुकड़े होने लगते हैं और वो आपके पेशाब के थ्रू आपके यूरिन के थ्रू आपके शरीर में से बाहर निकल जाता है साथ ही जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कॉलिक पेन हो रहा है कि काफ़ी आपको दर्द हो रहा है वो ये दवाई लेने के बाद कम हो जाता है फिर आपको पेशाब करते वक्त जलन होती है जिसको बर्निंग कहा जाता है कि बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन करते वक्त तो उसको भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक कर देती है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद जो स्टोन है वो समझे कि काफ़ी बड़ी साइज में तो धीरे धीरे वो जो है वो टूटने लगता है या फिर वो डिजोल्व होने लगता है कि जिससे दर्द भी आपका कम होता है और इजिली वो पेशाब के थ्रू जो है वो निकल जाता है तो उसके कंटेंट की हम बात करें तो अलग अलग जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं होम्योपैथिक जैसे कि बर्बेरिस वुलगारिस करके उसके अंदर प्रेजेंट है फिर सरसा पारीला उसके अंदर प्रेजेंट है ओसीमम कैनम प्रेजेंट है सॉलिडागो वर्गर यूरिया उसके अंदर प्रेजेंट है आ, परेरा ब्रावा उसके अंदर प्रेजेंट है और सैनिशियो और करके अलग अलग जो है वो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है अब बात करते हैं उसके डोज की तो किसने डोज में आप उसको यूज़ करते हैं तो मिनिमम दस से जितने दस से पंद्रह ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं ये जो बॉटल जो है उससे आपको अप्रॉक्सीमेट दस से पंद्रह ड्रॉप्स लेने होते हैं और वो वन फॉर्थ कप जितने पानी के अंदर लेना होता है और वो दिन में तीन या चार बार जो है वो पेशेंट ले सकता है और एक्यूरेट डोज लेने से आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा थोड़े ही दिनों में और आपके जो स्टोन है वो इजीली जो है वो निकल जाते हैं अब ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स कोई है ही नहीं बिकॉज ये कम्प्लीटली हर्बल मेडिसिन से होम्योपैथिक से सेफ़ है यूज़ करना बट सिर्फ और सिर्फ तब कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते है कि अगर किसी को इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी एलर्जी है कि जैसे हमने अभी उसका कंटेंट की बात की कंटेंट में से कोई भी इंग्रेडिएंट के समझो कि आपको एलर्जी है तो वो केस में ही किसी को प्रॉब्लम हो सकता है वरना उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कम्प्लीटली सेफ़ है इसको यूज़ करना वार्निंग्स की बात यह रहेगी कि अगर किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है कि जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया उसके इंग्रेडिएंट उसमें से कोई इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें फिर ये मेडिकेशन को बच्चों से दूर रखना है और कूल cool प्लेस पे जो है उसको अच्छे से स्टोर करना है तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में कि जैसे आज हमने यहाँ पर क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बारे में सीखा ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आपको सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट